तो अपना भाई ये कमेलियन है, कमेलियन रैप करा हुआ इधर से देख रहे हैं ना, बाहर से इस वीडियो को शूट करने भाई बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई है। तो भाई आप बिहाइंड द सीन्स में आप जाके देख ही लेना। ये देखो लाइट का रिस्पांस आप देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा आ रहा है। केदारनाथ गए थे भाई स्कॉर्पियो लेके और भाई अपने 22 इंच अलॉय में है ना, तो भाई अलॉय बैंड हो गया। तो भाई किस तरीके से हुआ था, गड्ढा आया था, क्या हुआ था? तो भाई ने इतना पैसा पूरी गाड़ी में लगा दिया है कि भाई एक स्विफ्ट आ जाएगी तो आप समझ सकते हो कि कितना। तो ये देखो भाई अपने बिल्कुल कलर चेंज हो गया। आप ये देखो भाई अपने सारे तरीके कलर चेंज हो जाते हैं। तो भाई अंदर भी प्रॉपर वर्क कराया हुआ, जैसे अपनी अल्ट्रा कम्फर्ट वाली सीट हो गई, ऊपर आप रूफ देख सकते हो। तो भाई सब बढ़िया हो गया और मस्त हो गया यार। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। जैसे यार आपने थंबनेल टाइटल पढ़ लिया होगा भाई, अपने 26 इंचेस के भाई अपने अलॉय व्हील्स आने वाले हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो भाई, बहुत ही तगड़ी लुक आ रही है। और भाई थोड़ा सा आगे आओ जरा, और भाई ने रैप वैप सब ओके रिपोर्ट कराई हुई। और इसका भाई इसका ना एक पहले वीडियो बनी हुई इस कार की, तो जाके आप चेक कर लेना, ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और गाइस एक बात मैं कह दूं, दिल्ली नोएडा और अपने गुड़गांव में भाई एक ही है पूरे में, और दूसरी भाई जैसे कि आपको पता ही है हिमाचल में, तो अपनी ये सेकंड या थर्ड वाली है। तो आज सारी चीजें बताने वाले भाई, कितने के अपने अलॉय व्हील्स वगैरह पड़े और क्या क्या चीज चेंजेस हुए कार में। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो गाइस फिर दोबारा से हमारे साथ है गगन भाई। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई बिल्कुल बढ़िया, और गाड़ी देख के भाई दिल खुश कर दिया। तो गाइस आज हम पूरी डिटेल में कवर करने वाले, जैसे कि पहले बनाई हुई इसकी वीडियो, तो उसमें पहले भाई इसमें पहले कौन से थे वो बता दो एक बार। पहले 22 इंच थे अपने क्रोम वाले, और अब सीधा भाई अपग्रेड कर लिया है 26 पे। तो सारी चीज हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो भाई एक बार रिपीट कर दो कि भाई अपना मॉडल कौन सा रहने वाला है कार का। 2019 मॉडल है, और भाई कौन सा S9 है? S9 है, और S9 से 11 कराया हुआ है। हाँ भाई। बस तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो भाई, बाहर से लुक बहुत ही तगड़ी आ रही है। मेरा मन कर रहा है साइड से स्टार्ट करूं, पर नहीं, हम फ्रंट से स्टार्टिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप ये रैप देख ही रहे होंगे, तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस रैप की। इससे भाई लुक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, मतलब बहुत ही आई कैची लुक आ रही है ना भाई स्कॉर्पियो की। तो भाई ये बताओ कि कौन सा है अपना, कौन सा कलर है, क्या है ये? कमेलियन? हाँ भाई, तो अपना भाई ये कमेलियन है, कमेलियन रैप करा हुआ इधर से देख रहे हैं ना, बाहर से ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी गाड़ी कमेलियन है ना। हाँ, एक तो भाई फ्रंट अपना जेड ब्लैक है, तो भाई ये सारी चीज मैं रिकमेंड नहीं करता। जैसे आप देख रहे हो भाई जेड ब्लैक है पूरी गाड़ी, तो ये सब रिकमेंड नहीं करता, बस ओनली भाई वीडियो शूट के लिए, ये नहीं कि भाई डेली रहती है ना भाई। हाँ भाई। बस आप देख रहे हो यार रैप तो भाई बहुत ही तगड़ा लगता है। बात है भाई लाइट्स की तरफ, तो भाई लाइट देख सकते हो। तो भाई कितने अपने कितने वॉट की अपनी एलईडी वगैरह? 120 यानी कि देख सकते हो भाई। और नीचे अपने आईपीएच है ना भाई, ये मैक्सोन के प्रोजेक्टर लग रहे हैं। तो भाई ये कितने वॉट है अपना? ये भी भाई 120 और प्लस इसमें भाई DRL है, तो भाई अपना इंडिकेटर में भी काम करता है कि? हाँ भाई। तो भाई ये देख सकते हो बहुत ही तगड़ी लुक आ रही है। और मैं थ्रो दिखाऊं तो भाई अभी उजाला हो रहा है, आप देख सकते हो भाई प्रॉपर थ्रो अपना है। तो भाई जैसे अपना फ्रंट भी जेड है अभी। हाँ भाई। तो भाई मतलब नाइट में कैसा रिस्पॉन्स आता है? बिल्कुल आर पार वाला। हाँ भाई। अरे भाई बिल्कुल आर पार वाला रिस्पॉन्स है। और आप देख सकते हो रूट्स के अपने हॉर्न लग रहे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी और रूट्स के हॉर्न ना हो तो भाई बहुत ही ज्यादा कमी लगती है गाड़ी में। तो आप देख सकते हो फ्रंट से लुक भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी आ रही है। भाई अब रैप की बात करते हैं, तो उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी अपनी रैप की? 6000 रुपये का बस इतना ये हुड हुआ है अपना ना।
तो ये देख सकते हो भाई 6000 की कॉस्टिंग पड़ी है। तो भाई मतलब कहाँ से दिमाग में आया कि भाई कमिलियन कराना चाहिए या कुछ और कलर? भाई मन था मेरा कराने का। अच्छा अच्छा, तो भाई मस्त लगा कि भाई वर्थ लगा क्या भाई 6000 रुपए लगाया और ये लगाया, मजा आ गया। बिल्कुल भाई दिल खुश हो गया क्योंकि भाई बिल्कुल ही तगड़ी लग रही है, इससे ना अलग ही लुक ही चेंज हो गया। पहले जाके देख सकते हो, पहली वाली वीडियो थी जो, उसमें जाके देख सकते हो। तो भाई बिल्कुल बढ़िया है। और अब दिखाते हैं भाई आपको, थोड़े सा पीछे की तरफ आ जाते हैं। भाई ने कुछ लाइट्स अपनी ऐड ऑन करवाई है, और जैसे कि भाई अपनी पिलर लाइट ऐड ऑन हुई है ना, पहले नहीं थी ये, तो भाई अपनी पिलर लाइट ऐड ऑन हुई है। तो भाई ये अपना बस इसमें चलता है, रेड में चलता है, इंडिकेटर में भी रेड में ही, वैसे ब्रेक मारने पे। अच्छा ब्रेक पे, लाइट ब्रेक पे बीच में आती है। अच्छा ये पार्किंग के लिए नहीं, ब्रेक मारते हैं जब। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देख सकते हो। तो भाई कितने कॉस्टिंग पड़ गई अपनी पिलर लाइट्स की? ये भाई 6000 की थी अभी। ये 6000 की, तो भाई कैसा रिस्पांस आ रहा है? भाई बढ़िया लग रही है अभी, किसी में भी नहीं है। हाँ भाई किसी में नहीं है, ये देख सकते हो पीछे से लुक भाई बहुत ही तगड़ी लग रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है पूरी, जैसे इसमें दूसरी वाली आती तो ऐसी पूरी जुड़ी हुई लग रही है पूरी लाइट ना। और पीछे जैसा आपको पता ही है भाई, ये देखो अपनी डबल कैप इसमें लगी हुई है। तो भाई इनकी क्या कॉस्टिंग वगैरह थी, कैप वगैरह की? भाई शायद 5.5-6000 के पड़े थे। बिल्कुल, मतलब थोड़ा आइडिया बता रहे क्योंकि भाई इतने दिन हो गए तो भाई भूल जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो, अभी आप सोच रहे हो भाई अलॉय व्हील दिखाओ, तो भाई वो भी दिखाने वाले हैं। भाई ने इधर अपनी बैजिंग भी भाई चेंज कराई है। तो अब आते हैं मेन चीज़ भाई अपने अलॉय व्हील्स की तरफ। तो भाई अलॉय व्हील अभी थोड़े अपने गंदे हुए पड़े क्योंकि भाई आप देख ही रहे हो बारिश हो रही है, और बल्कि गाड़ी धूके आई है ना भाई, वॉशिंग करा के लाए फिर से। बिल्कुल भाई, और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 295/30R26। तो भाई आपको प्रोफाइल वगैरह सब बता दिया भाई, जैसे अपने क्रोम वाले लगे हुए थे इसमें पहले, है ना? तो मैं फोटो वोटो भाई ऊपर डाल दूंगा, आप देख लेना कोने में। और पहले बैंड हो गए वो वाले। अच्छा वो बैंड हो गए थे? हाँ तो भाई मतलब कैसे? भाई केदारनाथ गए थे ना, रास्ते में पत्थर वत्थर लगे उसमें। अच्छा अच्छा, तो भाई केदारनाथ गए थे भाई स्कॉर्पियो लेके, और भाई अपने 22 इंच अलॉय में, है ना? तो भाई अलॉय बैंड हो गया। तो भाई किस तरीके से हुआ था, गड्ढा आया था, क्या हुआ था? गड्ढा आया था, गाड़ी स्पीड में चल रही थी वहाँ पे। अच्छा ज्यादा स्पीड में थी? तो भाई चलाता ना गाड़ी। अच्छा भाई थोड़ा ना खींच के चलाते मीटर, तो इसलिए भाई बैंड हो गया अपना अलॉय। तो भाई उसके बाद फिर कैसे स्टेपनी पे लाई, कैसी स्टेपनी पे? तो भाई तो झुकी झुकी चल रही होगी। 10 जने थे गाड़ी को, बैंड बैलेंस नहीं हुई, बिल्कुल सही चल रही थी। अच्छा 10 जने थे? अरे भाई भाई ये देखो भाई 10 जने से, और ऊपर भाई गड्ढे में जाएगी तो भाई हल्का सा टूटना तो था ही ना। हाँ। क्योंकि भाई प्रोफाइल कम थी, तो भाई टूटने का डर तो भाई इनका भी है। ये भाई जब की जब देखेंगे और लग, वो ये भाई शौक बहुत बड़ी चीज है ना, शौक बहुत बड़ी चीज है, और लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई मेन चीज होती है भाई शौक की, क्योंकि शौक क्या आपने शौक के तौर पे रखी हुई है गाड़ियाँ। तो जैसे 28 लगवाने गया था, टायर मिले नहीं थे जब। 28 लगवाने गए थे? अरे भाई कह रहे थे भाई 28 लगवाने गया था, पर 28 लेके आ जाओ, हमारे पास टायर नहीं है अभी। तो मतलब दिल्ली में टायर ही नहीं थे किसी भी, करोल बाग में रिम तो पड़े थे। अच्छा रिम पड़े थे, टायर नहीं थे, नहीं तो 28 ही लगते है ना। तो जैसे भाई मेरे को तो लगता है यहाँ दिल्ली में अपने गुड़गांव नोएडा में तो है ही नहीं है ना, बस अपने एक हिमाचल प्रदेश में और एक दूसरी और है शायद, वो भी पंजाब वगैरह में। तो अब स्पेशली यहाँ पर आपको रोड पे दिख जाएगी, तो भाई को स्नैप करके भेज देना कि लो भाई आपकी गाड़ी हमने यहाँ देखी है भाई। तो भाई अब मेन मोटी बात करें तो एवरेज में भाई कितना डिफरेंस आया इसकी और उसकी में? भाई वही 13-14 की दे रही है। 13-14 की एवरेज निकल रही है इसमें भाई? हाँ भाई। मतलब कुछ फर्क पड़ा जैसे पहले 22 से अब 26 है, तो भाई कुछ फर्क पड़ा? कुछ ना पड़ा, कुछ नहीं, सेम ही। तो भाई बहुत बढ़िया बात है। मेरे को लग रहा है भाई जैसे अपने बड़े हैं तो इंजन मतलब खींचने पे लोड ले रही है गाड़ी, है ना? कुछ फर्क सेम थोड़ा सा तो आता ही, फर्क हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा है, बहुत माइनर सा। हाँ। तो भाई अगर बात करूं तो भाई ने अपने साइड वाले भी हटवाए हुए हैं। तो भाई पहले हट रहे थे, नहीं हट रहे थे, मेरी याद नहीं, हट रहे थे जब नहीं हट रहे थे, जब लगे हुए थे। हाँ। तो आप देख सकते हो भाई एक बालक तो निकल ही जाएगा इसमें से हर बार, है ना? तो लिफ्ट करवाई है ना? अच्छा लिफ्ट करवाई है, फ्रंट से या बैक से? दोनों से, फ्रंट से और दोनों से। तो भाई क्या गुटके लगे, गुटके लगवाए? और भाई कुछ अल्टरेशन भी कटवाए थे क्या कुछ अंदर से? हाँ भाई कटिंग हुई थी आगे से भी ये। हाँ। तो भाई ये देखो अपनी इधर से कटिंग की थी और कराई है। अच्छा पहले भी पड़ी थी तो अब और कराई है। तो इधर से भी हुई है क्या भाई? इधर तो कोई सेटिंग शूटिंग करी है। अच्छा ये अंदर से भाई अपनी सेटिंग वगैरह, ये हल्की हथौड़े बजाए हैं। तो भाई कटने में कुछ दिक्कत, मोड़ने वोड़ने में, स्पीड में कुछ दिक्कत? जब 6 जने बैठ जाते हैं तब पीछे थोड़ी हटती है ब्रेकर पे। हाँ वो हल्की फुल्की तो भाई लगेगी। हाँ। है ना, ये बताओ कि भाई कितने की क्या पड़ गए, कितने के अलॉय पड़ गए भाई? ये भाई ये आ जाएगा ऑटो, आ जाएगा जैसे बंदे बैठे हैं, ऑटो बंदे समेत ऑटो आ जाएगा भाई। हाँ। इतने के भाई ये खरीदे हैं। तो भाई जैसे चलो ये तो थोड़ा फनी वे में हो गया, हकीकत बताओ कि क्या आ जाएगा इतने में, जितने की है गाड़ी आ जाएगी ये दोनों? भाई कह रहे भाई सेंट्रो ऑल्टो दोनों आ जाएगी इतने के भाई, अपने अलॉय व्हील लगे हैं, है ना भाई? तो भाई वैसे नहीं बताना चाह रहे, तो आप समझ जाओ भाई दोनों के। तो भाई दोनों गाड़ी आ जाएंगी इतने के अलॉय व्हील हैं अपने भाई। ओके रिपोर्ट, मौसम हो चुका है आप देख ही रहे हो, और भाई इस वीडियो को शूट करने भाई बहुत ही ज्यादा परेशानियां हुई हैं। तो भाई आप बिहाइंड द सीन्स में आप जाके देख ही लेना। तो भाई आपको बाहर से ओवरऑल दिखा दी, भाई अंदर से भी कुछ चेंज करवाया है? नहीं भाई सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। पर हमारे साथ बंदे बहुत सारे नए जुड़े हैं तो उनको भी दिखा देते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें। एक बार भाई अंदर आ जाओ, तो भाई आपको अंदर से दिखाते हैं। और ये देखो भाई चढ़ने में भाई कितनी दिक्कत होगी, एक तो ये देखो कितनी ऊपर भाई पैर रखना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है भाई 3-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आना भाई। अरे वाह,
तो भाई इसमें चढ़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है अपनी, है ना। हाँ भाई। तो जैसे कि बात कर दो भाई, अपने अल्ट्रा कंफर्ट वाले सीट कवर लगे हुए हैं और भाई अंदर से बाहर कुछ नहीं दिख रहा, ये देखो बिल्कुल जेड है भाई। सौ परसेंट है भाई। और जैसे देखो भाई, भाई ने बहुत ही बढ़िया काम कराया हुआ है इंटीरियर, ये नहीं कि भाई बार बार से बना दी गाड़ी, अंदर से कुछ नहीं है। तो भाई अंदर भी प्रॉपर वर्क कराया हुआ है, जैसे अपनी अल्ट्रा कंफर्ट वाली सीट हो गई, ऊपर आप रूफ देख सकते हो। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह थी एक बार वो रिपीट कर देते। 45,000 का पड़ा था पूरा इंटीरियर, पूरा इंटीरियर पड़ा था 45,000 का, जैसे अपनी घेरनो वगैरह सारी चीज ए टू जेड अपना, ये डोर पे भी आप देख सकते हो और ऊपर भी अपना भाई रूफ भी अपना पूरा टोटल ओवरऑल इंटीरियर। तो भाई सिस्टम में कुछ ऐड ऑन करवाया या ना कैसे? भाई वो बेस ट्यूब लग रही है, अपनी बेस ट्यूब लगी भाई। कौन सी अपनी बेस ट्यूब है? ब्लू पंक की अपनी बेस ट्यूब है और एक एम्प लगा हुआ है अपना 4 चैनल। तो भाई डोर में अपनी कंपनी वाली है ना भाई? आगे मिड रेंज लग रहे, पीछे कंपोनेंट लग रहे हैं। अच्छा, आगे मिड रेंज और पीछे कंपोनेंट है। और अपना जो भाई आप स्टीरियो देख सकते हो, ये अपने कंपनी वाली है ना भाई। तो गाइस जब आपको भाई आउटपुट सुनाने वाले हैं, उससे पहले आप ये देखो सबसे खतरनाक चीज, लाइट को देख के मुझे याद आया, तो अभी सही सिस्टम हो रहा है। अपनी एम्बिएंट भी लगी हुई है इसमें, एटमोसफेयर भी लगी हुई है, प्लस ये देखो भाई रेड लाइट भाई कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो भाई इसके कलर भी चेंज होते हैं, ओनली रेड है? कलर भी चेंज होते हैं करना भाई, ऐप कंट्रोल है क्या? हाँ भाई। तो भाई एक बार दिखा दूं, बहुत बंदों के ना क्वेश्चन होते हैं मेरे से भी कि भाई मैंने लगवाई हुई है, तो भाई मेरी सिंगल कलर की है, भाई की है भाई ऐप कंट्रोल वाली। तो आज हम वही दिखाने वाले हैं कि भाई किस तरीके से कैसे लगी हुई है। ये देखो भाई इस तरीके से भाई अपनी पूरी लगी हुई है और अपनी वाटर प्रूफ है भाई प्रॉपर ना। तो भाई कर रहे हैं एक बार कलर चेंज इसके, बिल्कुल। तो भाई मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है कि? तो ये देखो भाई अपने बिल्कुल कलर चेंज हो गया। आप ये देखो भाई अपने सारे तरीके कलर चेंज हो जाते हैं, मतलब जो मन आए वो कर लो ना भाई। तो ये देखो भाई ये बहुत ही प्यारा लगता है ये कलर मुझे। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी अपनी इसकी? ये भाई 5500 की लगी थी अंडर बॉडी लाइट भाई, 5500 की लगी थी। तो भाई जैसे भाई बहुत बंदों क्वेश्चन ये होते कि भाई ये जैसे बरसात का मौसम चल रहा है अपना, तो भाई नीचे हटती वटती तो नहीं है ये? भाई कल ही लगा था, तो मैं सुबह से बारिश में चल रही गाड़ी फुल। बिल्कुल भाई अभी फुल, अभी जहाँ से आया हूँ अभी फुल पानी था, तो अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। और जैसे लगवाई है प्रॉपर लगवाई है, तो भाई ऑलमोस्ट आपको अंदर से सब चीज दिखा दिया है। तो भाई ये किस चीज का है अपना? क्या भाई? ये अपना, अच्छा ये देखो भाई मतलब फुल कैडी चीज लगी हुई है अंदर भाई, फुल ओके रिपोर्ट है कार ना। तो भाई सायरन वायरन भी है क्या? हाँ भाई सायरन। तो भाई ये देखो, बस 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 भाई देखो मतलब पूरी ओके रिपोर्ट है। तो भाई कितनी, एक बाल्टी है दो बाल्टी इसमें? भाई दो लग रही है, दो और लगाऊंगा अभी। अच्छा दो और लगवाएंगे भाई? हाँ भाई। तो भाई अब आपको ऑलमोस्ट सारी चीज दिखा देते हैं। तो अब भाई आपको ऑडियो सुनाने वाले, तो भाई ईयरफोन जरूर लगा लें, जब भी आपको भाई ऑडियो एक नंबर आने वाली है। तगड़ा आ रहा है। तो भाई सब चीज हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो भाई अपना ऑडियो सेटअप कितने का होगा? भाई लगा लो 15-16 हज़ार का। 15-16 हज़ार रुपए का होगा। और भाई बिल्कुल, भाई ने बिल्कुल जैनुइन बताया, ये नहीं कि भाई ऊपर चढ़ावट हो गए, तो भाई बिल्कुल जैनुइन बताया। तो आपको ऑलमोस्ट हमने सारी चीज बता दिया है। तो भाई जैसे अब मैं एक बात बताऊं आपको, भाई अब भी ओनली वन इन इंडिया है ये। अब बंदे बोलेंगे भाई कैसे? हाँ। तो भाई अगर आपने हिमाचल वाली अपनी स्कॉर्पियो की वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक भी मिल जाएगा, जाके उसको देखो। उसमें बस अलॉय अलॉय सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है, 90 ईयर है ना कुछ है ना, अल्ट्रा कंफर्ट सीट है, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है उसमें, जाके आप देख लेना। तो यानी कि भाई आप मानते हो नहीं मानते, ओनली वन इन इंडिया? भाई मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो क्योंकि भाई बिल्कुल सेम तो होगी नहीं, है ना? बिल्कुल सेम नहीं होगी, आप देख ही सकते हो भाई। अब भी ओनली वन इन इंडिया है, बंदे कहेंगे भाई क्या कह रहा है, तो भाई सही कह रहा हूँ, आप जाके चेक कर लो, सब चीज मिला लेना ए टू जेड। क्योंकि जब भाई कॉपी वोपी जब होती है, जब बिल्कुल भाई डिटो सेम हो, है ना, कम काम हो, तो भाई अब भाई का है बहुत ज्यादा काम और भाई ने बहुत ही तगड़ी बना दिया है। तो भाई अब ये बताओ टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ गई होगी गाड़ी की? 4 आ जाएंगे कि अल्टो और सेंट्रो? 5 रिमूव लगा लो, कितने बार पैसे भूख दिया रिमूव में? बिल्कुल बिल्कुल 5 बार ही, मतलब कि भाई 4-5 पहले चेंज हो चुके हैं और अब ये टोटल 5वां है। तो भाई इससे और ऊपर करवाना है कैसे? देखो भाई, भाई मेरे को लग रहा है कि कुछ दिन चला के 28 डलवाएंगे सीधा।
कि भाई लो 28 लो तरुण भाई, पहले हमने 22 दिखाया, 26 दिखाया, अब सीधा 28 रख दे भाई, इसमें टायर मिले नहीं जब टाइम पे। अच्छा अच्छा, तो भाई इसके कंपटीशन में अपने भाई 24 भी होंगे। 24 में मजा नहीं आया था क्या? नहीं भाई, तो भाई ने सोचा ले जाके देखे, मैंने ना आया मजे नो, आप बनाने तो ऐसी बनाने की हो ही ना आसपास में कहीं, है ना। तो भाई ने बिल्कुल ओके रिपोर्ट बना दिया। तो भाई कितना कितना लग जाएगा, थोड़ा वर्ड्स में बता दो कि टोटल पूरी गाड़ी की कॉस्टिंग, अब टोटल सब चीज लगा लोगे टोटल कितना बैठ जाएगा? 7-8 के करीब, मतलब कि आप ये मान लो कि स्विफ्ट आ जाएगी अपनी, है भाई? तो भाई ने इतना पैसा पूरी गाड़ी में लगा दिया है कि भाई एक स्विफ्ट आ जाएगी, तो आप समझ सकते हो कि कितना, जाके चेक चुक कर लेना भाई। ओके रिपोर्ट सारी चीज भाई ने बिल्कुल ट्रस्ट के हिसाब से भाई सब चीज बता दिया। तो भाई ये चीज आप रेकमेंड करते हो कि भाई इतने बड़े किसी में स्कॉर्पियो तो भाई कहते हो उनसे कि भाई 26 लगवाओ भाई, शो के तो लगवाओ। हाँ, शो के तो भाई लगवाओ, मेन चीज ये है कि क्योंकि भाई अब देखे देखे में लगवा लो, फिर परेशान है तो भाई पैसे वेस्ट जाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई ने तो अपने शौक के लिए लगवाया है ना। तो आप देख ही सकते हो जिसके घर में भाई 4-5 गाड़ी ना, वो लगवाओ बस, है ना। मेरे पास भाई 3 गाड़ी चलाने के लिए, मैं तो ये वैसे ही लग रहा है बिल्कुल, ये भाई अपनी शौक के तौर पर रखी हुई है। तो भाई ऑलमोस्ट हमने आपको सारी चीजें दिखा दी, अंदर बाहर से पूरी गाड़ी हमने कवर करा दिया। तो गाइस अगर यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई एक बार हेडलाइट ऑन कर दो, अपनी सारी लाइट ऑन कर दो भाई। ये देखो लाइट का रिस्पांस आप देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा आ रहा है भाई, ये तो अंधा कर देगी, है ना भाई। तो भाई ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें हमने दिखा दी। अगर गाइस जहां तक आपने वीडियो देख लिया तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।